क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन यह एक विश्व का गंभीर व ज्वलंत मुद्दा है। इस समस्या से हर कोई प्रभावित है, चाहे किसान, जीव जंतु, पशु पक्षी। सबसे ज़्यादा प्रभावित है किसान। सर, मैं खेती करता हूँ और करीब 15-16 साल से मैं खेती काम में जुड़ा हूँ। जो मौसम में तब्दीली आ गई है, जब फल का टाइम होता है कपास का, उस टाइम बारिश आती है, जिस टाइम धान के जो बूर निकलता है उस टाइम बारिश आने से वो धान भी कमज़ोर पड़ जाता है और कपास का फल भी ख़त्म हो जाता है। गेहूँ की कटाई है तो उस टाइम भी आम बारिश हो जाती है। इससे आपका जो व्यवसाय है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है फिर? मतलब अब लागत ज़्यादा बढ़ गई है और इनकम कम है, इसमें खेती दिन रात घाटे की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारी जलवायु में परिवर्तन ये है कि समय पर फसल भी नहीं पक रही है, फसल का साइज भी सही नहीं बढ़ रहा जी। इसमें मतलब मौसम का ऐसे में बारिश होना, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, तापमान पहले से काफ़ी बढ़ गया, सर्दियाँ कम होगी। जैसे हमारे किसान भाई लोग हैं, बहुत ज़्यादा खाद दवाइयाँ स्प्रे यूज करते हैं और ये खेतों में भूसा जला देते हैं, पेड़ पौधे लगाते नहीं हैं, इनको कटाई होती जा रही है दिन रात, इसी कारण ही ज़्यादा है परिवर्तन। कारखाने हैं, व्हीकल है, बहुत ज़्यादा हो गए जी, इस कारण जलवायु परिवर्तन हो गया। जुम्मेवार हम भी हैं, सरकार भी है, क्योंकि सरकार भी फैक्ट्रियां लगा रही है दिन रात, वो उनका कोई मानक नहीं है किस मानक को चलाना है। सहना आजकल बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ गई, दमा सांस एलर्जी वगैरह की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देख बढ़ गई पहले से। सरकार कर तो रही है परंतु वो नाममात्र है, क्योंकि लाखों पौधे लगाए जाते हैं आए साल और हम देखते हैं कि उसमें से कोई 100, 200, 500, 1000 पौधे ही बच पाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, उनकी संभाल नहीं होती है। हम पेस्टिसाइड कम यूज़ करेंगे जी, पौधे ज़्यादा लगाएंगे। जैसे हम किसान लोग हैं, ये खेत में भूसा ना जलाएं और जैविक खेती की तरफ बढ़ावा करें, तब हम इसको कुछ रोक सकते हैं। तो इससे खतरनाक हो रहा है जी, इसका इसमें कोई आमदनी तो रही नहीं जी, इस कारण से इसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है जी, क्योंकि ये दिन रात घाटे की तरफ जा रहा है, अब हर कोई किसान खेती से तौबा करता जा रहा है। सुना आपने जलवायु परिवर्तन का असर, हमें आज से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए ताकि हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकें और आने वाली नस्ल इस कृषि नामक व्यवसाय को अपना सके। मैं सत्यवान वर्मा, मुगलपुरा हरियाणा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।